हम किया जा रहा है। 9 मई के वाकयात की कोई किसी किस्म की जस्टिफिकेशन नहीं है। 9 मई के वाकयात का ना दिफा किया जा सकता है, ना उस बारे में किसी किस्म का उजर पेश किया जा सकता है कि 190 मिलियन पाउंड की करप्शन का केस हो और आपके हाथ करप्शन में रंगे हुए हों और आपकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाए और मुसल्ला जत्थे कोर कमांडर हाउस पर हमला कर दें, रेडियो पाकिस्तान को आग लगा दें, चागी मॉडल, चागी पहाड़ के मॉडल को आग लगा दें और कौमी सलामती पर आंच आने दें, इसका तसव्वुर नहीं था। यह सोचा समझा मंसूबा था और इमरान खान साहब यह बताकर गए थे। अब इन शरपसंद नासिर को जो तहफ्फुज़ दिया जा रहा है, सरे फहरिस्त यास्मीन राशिद साहिबा को जो कोर्ट की तरफ से रिलीफ दिया गया और उनका केस डिस्चार्ज किया गया, वो मुकम्मल तौर पे गैर कानूनी तरीके से किया गया है। उस केस के अंदर ये कहा गया कि यास्मीन राशिद साहिबा इस केस में नॉमिनेटेड नहीं है एफआईआर में, जबकि अगर एफआईआर का वो सफा पलटा जाता तो ये नजर आ जाता कि क्योंकि फौरी तौर पे मुकदमा दर्ज हुआ था, एफआईआर दर्ज हुई थी, तो तफ्तीश के नतीजे में जो जिमनियां लिखी गई हैं उसमें उनका नाम शामिल था दूसरे और तीसरे सफे पर, मगर उजलत में फैसला किया गया, दूसरे और तीसरे सफे को देखा ही नहीं गया कि यास्मीन राशिद साहिबा का बकायदा नाम उस एफआईआर की जिमनियों के अंदर दर्ज है बतौर एक मुलजमा के, और यह तक नहीं देखा गया कि फोरेंसिक पंजाब फोरेंसिक लैब में वीडियो एविडेंस को एग्जामिनेशन के लिए भिजवाया गया था और इस बात का तायुन होना था कि जो वीडियो एविडेंस है आया वो उससे यास्मीन राशिद साहिबा की मौजूदगी मौके पर साबित होती है या नहीं होती। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट मुस्बत आई है, पॉजिटिव आई है कि जो कोर कमांडर हाउस की मौके की वीडियोज हैं उसमें यास्मीन राशिद साहिबा ही मौजूद थी और फोरेंसिक लैब ने जो अपनी रिपोर्ट दी है यह अदालत में जमा होनी थी। किसी की भी किसी भी मौके पर अगर मौजूदगी साबित हो और उसकी कोई वीडियो आ जाए, उस वीडियो का जो फोरेंसिक एनालिसिस और फोरेंसिक एग्जामिनेशन करवाया जाता है वो बकायदा आपको नतीजा बताता है कि ये मर्द या खातून उस मौके पर मौजूद थे कि नहीं थे, ये वीडियो कहां की है, किस वक्त की है, ये वीडियो ठीक है नहीं है। तो मौजूद अदालत ने इस बात का इंतजार नहीं किया कि ये फोरेंसिक रिपोर्ट अदालत में जमा कराई जाती और बताया जाता कि जी ये इन्हीं की वीडियो है, मोहतरमा ही मौके पर मौजूद थी, वीडियो ठीक है, वीडियो 9 मई की है, वीडियो शाम की है, जत्थे के साथ वहां मौजूद थी। तो केस से जब डिस्चार्ज किया गया या बरी किया गया है, इतनी क्या उजलत थी, इतनी क्या जल्दी थी कि इस रिपोर्ट का इंतजार तक ना किया गया। ये रिपोर्ट आ जाती तो इसमें साबित है मौके पर मौजूदगी साबित है, वीडियो का असल होना साबित है, वीडियो का 9 मई की तारीख का होना साबित है, कोर कमांडर हाउस की लोकेशन साबित है, तो ये फोरेंसिक एनालिसिस का इंतजार किया जाना चाहिए था अगर कानून के और इंसाफ के तकाजे पूरे करने थे। इसके साथ साथ ही एफआईआर के साथ जो दीगर दस्तावेजी सबूत लगे थे और दस्तावेज लफ थे उनको भी देखा जाना चाहिए था कि इन दस्तावेजात में उनका नाम शामिल है, वो इन वाकयात में मुलविस रही हैं। और देखिए कानून और इंसाफ होना नहीं चाहिए, होता नजर आना चाहिए। तो मैं ये समझने से कासिर हूं कि चंद मखसूस हल्के अदलिया के वो 9 मई के वाकयात के हवाले से इतना गैर संजीदा रवैया क्यों रखते हैं और मुलजिमान को ट्राई करने पर, उन पर मुकदमा चलाने पर उनके क्या इतराजात हैं और वो क्यों गुरेजा हैं इस इन मुकदमात को आगे चलाने पर।
पंजाब गवर्नमेंट की प्रोसिक्यूशन की टीम दिन रात काम कर रही है, जहां जहां उनको फेडरल गवर्नमेंट से नादरा से कोई डेटा रिक्वायर्ड होता है वो उनको फराहम किया जा रहा है, मगर मुलजमान जो हैं उनके हवाले से जब तमाम तर शवाहिद आ गए हैं तो फिर ये रिलीफ किस बात का दिया जा रहा है। और बड़े अफसोस से ये भी कहना पड़ता है कि परवेज इलाही साहब, जिनके खिलाफ बड़ा क्लियर एविडेंस है मनी लॉन्ड्रिंग का, करप्शन का, गैर कानूनी भर्तियों का, उनके केसेस डिस्चार्ज किए जा रहे हैं। और वो विर्क साहब एक जज हैं जिनकी फेसबुक की पोस्ट्स आप देख सकते हैं कि इमरान खान साहब की तस्वीरें लगी हैं, प्रो पीटीआई पोस्टें हैं, एंटी पीडीएम पोस्टें उन्होंने लगाई हैं। क्या ये किसी जज को जेब देता है कि वो मुकदमा भी सुन रहा हो और साथ सोशल मीडिया पे अपने अकाउंट से किसी एक सियासी जमात की पोस्टें भी कर रहा हो और अरबों रुपए की करप्शन के सबूत उसको नजर ना आए और वो मुलजिम को बरी कर दे? इसमें प्रोसिक्यूशन का क्या कसूर है? इसमें पुलिस का या एंटी करप्शन का क्या कसूर है? परवेज इलाही साहब को पुष्पनाही हासिल रही है आला अदलिया के जजेस की। अब मसला यह है कि जिस ऑडियो में मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब से परवेज इलाही साहब की गुफ्तगू हो रही है, वो ऑडियो जब उस पर कमीशन बनता है तो चीफ जस्टिस साहब की तरफ से उस कमीशन पर स्टे ऑर्डर दे दिया जाता है, उस कमीशन की कार्रवाई को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता कि जी मेरे से नहीं पूछा। भाई एक अमल शुरू हो चुका है और यह जुडिशियल कमीशन नहीं है, इंक्वायरीज कमीशन एक्ट के तहत एक कमीशन है। तो यही वजह है कि जब मज़ाहिर नकवी और परवेज इलाही की ऑडियो की तहकीकात नहीं होंगी, तमाम ऑडियोज की तहकीकात नहीं होंगी और मामलात इसी तरह उजलत में आगे चलाए जाएंगे और स्टे ऑर्डर दिए जाएंगे, तो फिर परवेज इलाही साहब को तो हिमायत हासिल होगी कि वो एक मैजिस्ट्रेट हो, वो सेशन जज हो, वो परवेज इलाही के खिलाफ फैसला क्यों देंगे जब उनको पता होगा कि परवेज इलाही साहब को आला अदलिया के जजेस की ना सिर्फ हिमायत हासिल है बल्कि इंसाफ के इस सारे अमल में वो मुदाखलत भी कर रहे हैं, वो तहफ्फुज़ भी फराहम कर रहे हैं और मैसेजेस पास हो रहे हैं कि इनको रिलीफ देना है। तो फिर अगर 9 मई के मुलजिमान को भी रिलीफ मिलना है जिन्होंने हमले किए, जिनकी विदाउट फियर ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन हम ये कहते हैं ना काबिले तरदीद सबूत हैं उनके कि उन्होंने हमले किए हैं, जलाओ घेराव किया है, वो खवातीन हों, वो मर्द हों, वो जो भी हों, क्योंकि दहशतगर्द की ना कोई रंग होता है, ना नस्ल होती है, ना मजहब होता है, ना जिन्स। उसने तो दहशतगर्दी की है और उसको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। तो ये जो एक शफकत का रवैया है कि आप सबूतों को नहीं देखते, आप शहादतों को नहीं देखते, आप इंतजार नहीं करते कि मुकदमा आगे चल सके और रिलीफ दे दिया जाता है पहली पेशी पे तो बेल नहीं मिलती और आप यहां पे पूरा मुकदमा डिस्चार्ज कर देते हैं, बरी कर देते हैं। मैं ये कासिर हूं कि परवेज इलाही का मनी लॉन्ड्रिंग का अरबों का केस, नाजायज भर्तियों का अरबों का केस, वो पहली पेशी पर किस तरह उड़ाया जा सकता है जब तक आला अदलिया उसको तहफ्फुज़ फराहम ना कर रही हो। और आला अदलिया इसमें लोअर जुडिशरी, सबॉर्डिनेट जुडिशरी के जजेस को परवेज इलाही साहब के लिए, यास्मीन राशिद साहिबा के लिए मैनेज ना कर रही हो कि कानूनी तकाजे पूरे हो ना हो मगर रिलीफ मिल जाता है। 9 मई के हाथ में या करप्शन के मामलात में जो तहफ्फुज़ फराहम किया जा रहा है, तो क्या यह समझ लिया जाए कि तमाम वो लोग जो तहफ्फुज़ दे रहे हैं वो शरीके जुर्म हैं, वो इस जुर्म में मुलव्विस हैं, उनका इस जुर्म में हाथ है, वो 9 मई के वाकयात के मुलजिमान को तहफ्फुज़ फराहम करके कौमी सलामती पर खुदा ना खास्ता आंच आने देना चाहते हैं? क्या वो ये चाहते हैं कि 9 मई के वाकयात पर बात ना की जाए और मुलजिमान को छोड़ दिया जाए, तो तमाम जेलों के दरवाजे खोल दें, तमाम दहशतगर्दों को रिहा कर दें? काश पीटीवी के हमले के मुलजिमान को, काश पार्लियामेंट के गेट तोड़ने वाले मुलजिमान को सजा हुई होती तो आज 9 मई की नौबत ना आती। मैं यकीन दिलाता हूं कि 9 मई के वाकयात में जितने भी मुलव्विस मुलजिमान हैं, ये जहां जहां रिलीफ मिलेगा हम अपीलें करेंगे, सबूत फराहम करेंगे और कैफरे किरदार को पहुंचाएंगे। कोई
गुनेगार जेल से बाहर नहीं होगा, कोई बेगुनाह जेल में नहीं होगा। और जहां तक परवेज राय साहब के मुकदमात का ताल्लुक है, यह अफसोसनाक है कि कुछ हाईकोर्ट में बैठे जजेस और कुछ सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजेस उनकी करप्शन को तहफ्फुज़ फराहम कर रहे हैं। ये कहां थे? आज मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने शहजाद अकबर साहब के भाई के केस में कमेंट्स पास की, ये कहां थे जब तीन तीन साल आह चीमा जेल में थे? ये कहां थे जब बिलाल किदवाई नामी अमेरिका पलट नौजवान जो एलडीए में नौकरी करता था उसका केस दो साल शेख अजमत सईद साहब ने बेल का केस नहीं सुना था? इधर इतना फौरी रिलीफ मिलता है कि ना सबूत देखे जाते हैं, ना शवाहिद देखे जाते हैं, ना यह देखा जाता है कि किसी ने किसी शहीद के मुजस्मे को मस्मार किया है। किसी ने रेडियो पाकिस्तान जहां से ऐलान हुआ था सुबह आजादी का, उसके आर्काइव को आग लगाई गई है, कहीं पे चागी पहाड़ को आग लगाई गई है, कहीं पे डीआईजी ऑपरेशन पे को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। तो ये लोग कहां थे जब ये सारे मामलात इनका कोई तहफ्फुज़ कर सकता है, इनका कोई दिफा कर सकता है? क्या ये मुमकिन है कि ये